हेलो जी राम, कौन तुझे मैं मारूंगा, ये नहीं नहीं अच्छा छोड़ो इसको। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यार आप लोग कैसे हो सारे? यार थोड़ी सी एनर्जी लेके आनी है अपने आप में, ठीक है ना? आपका भाई एनर्जी लेके आएगा अपने आप में। वो एनर्जी कैसे आएगी? इस तरह तेज तेज बोल के, ठीक है, और यूं यूं करके, यूं यूं करके, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल से मेरे कि मैं किधर जा रहा हूँ, ऐसे ही है। तो अच्छा सबसे पहले यार हम लोग लगा लें ब्लाइंड्स। पता कितना हो रहा है ये, कैसे लगेगा? अरे पिछले दोनों ब्लाइंड्स को क्या हो गया? ये देखो हालत इनकी कितनी बुरी हो गई है। कभी लगे ही नहीं ना, बहुत कम लगाए हैं। लगाए भी मतलब मैंने हमेशा मैं किसी भी लड़की से मिलने जाता हूँ तो हमेशा लगा लेता हूँ। तीनों साइड्स के ब्लाइंड लगा लिए और आप सोच रहे हो कि अपनी साइड का ब्लाइंड भी लगा लूँ। आपके भाई के बाल छोटे अजीब तो नहीं लग रहे ना? अपनी साइड का ब्लाइंड लगाने के बाद आपसे बात करते हैं। पहन लो मास्क। मास्क तो यार मेरा सबसे ज़्यादा मतलब जरूरी, मास्क के बगैर मतलब जा नहीं सकता। और ये रहे मेरे वो माइक्रोफोन्स, इसको ऑन कर लो यार। ये ऑन हुआ, ये लगा दिया माइक्रोफोन, लग गया लग गया। और अब करें दूसरे में फ़ोन डालें अपना। ये भाई ने लगा लिया मास्क भी, मास्क भी लग गया। और एक चीज रह गई है सबर, इसके बगैर मुझे रात के टाइम तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता सबर। वो ग्लासेस किधर गई? ओहो ग्लासेस मेरी रह गई हैं घर में। छोटा भाई मुझे मेरा दे गया ग्लासेस भी। और अब करते हैं जू। A few moments later. अपनी पूरी लाइफ में ना मैंने अपनी बचपन से लेके अब तक इस वाली रोड पे मैंने कभी ट्रैफिक नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। आज उसको लेने जा रहा हूँ तो आज ट्रैफिक आ गया इस रोड पे। हालात देखो यार, हालात देखो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। बाकी मेरे ब्लाइंड लगाने को गलत मत समझना मुझे। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। ये इसलिए कह रहा हूँ, तुम लोग ये ना सोचो आजकल पाकिस्तानी अवाम की बड़े दिमाग खराब है ना यार। मैं खुद लगाता हूँ, ये अच्छा रहता है ब्लाइंड। मैं नहीं कहता कि मुझे कोई लड़की के साथ देखे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। चुप करके जाओ, चुप करके घर आ जाओ। आये हाय हाय कैसा आ गई। अब ठीक है, अब नजर आ रहा है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से भी आए हैं। उसके बाद उसको मैंने पिक किया है। उसके पिक करने के बाद अभी आए हैं हम लोग अगवानी बर्गर खाने। इसका फेवरेट है, फेवरेट है अगवानी बर्गर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। चलो खा लेते हैं अगवानी बर्गर। अगवानी बर्गर खाएंगे। और ये तो यार इतनी कमजोर हो गई है, पता नहीं इसने अपने आप को क्या कर लिया। आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी। नेक नेक पूरा हिजाब ठीक है, नेक पूरा नेक, इसने मतलब खुद नेक बनी हुई है। ऐसी लड़की कहाँ मिलती है दुनिया में? लेकिन ऐसी लड़की तो यार इधर क्या कहते हैं अवानी बर्गर खाने। और ये है मेरा फेवरेट अवानी बर्गर। और जो मेरे साथ बैठी हुई उनको भी मैंने खिला दिया। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। बेगम मेरी शर्मा रही है, ठीक है। यार तुम्हें टेस्ट कैसा लगा था? ठीक है, बहुत अच्छा। यार वो कह रही है अभी फेस रिवील नहीं करना ना, कह रही है 100K करो जल्दी से, तुम अपने फिर फेस रिवील करो। समझ रहे ना आप सारी बात? One hour later. ओके, अल्लाह फेस, इंशाल्लाह मिलेंगे एक बार फिर थोड़े टाइम बाद। ओके बस गाड़ी खड़ी की है, घर सारा सामान रखता हूँ, उसके बाद जाता हूँ। जैन भी आ रहे हैं, जैन भी से जाते हैं हम लोग, कुछ खाते पीते हैं फिर जू घरों घर वापस। पूछा मैंने कुछ नहीं था यार, अभी उससे जो मेला में वो कहती है यार फेस रिवील नहीं करना अभी। मैंने कहा चलो ठीक है, जब बोलोगी तब कर लेंगे। कहती है अभी नहीं, बाद में 100K हो जाए। मैंने कहा चलो 100K हो जाए तब कर लेंगे। और अभी हम लोग लगाएंगे शू, ठीक है। और बस यही था यार, किया था चलिए लिए वाला ब्लॉग है, छोटा सा ब्लॉग होगा ये भी। यार मुझे मतलब एक बात समझ नहीं आ रही, मतलब मैं क्या करूँ। ये देखो आपके भाई की रोड कोई भी नहीं, और इस टाइम जा रहा है फोन उठा के, आपका भाई बादशाह अपनी रोड का अकेला घूमता है। फुर्सत में निकल। और एक्टिंग हो गई, फिर हम पूरा काम की बात कर लें। जैन भी आ रहे हैं यार, जैन भी आ जाए और फिर जाते हैं कोयटा, चाय शाय पिए। चाय तो आपके भाई का लव है, इधर है इधर। और वेयर इज जैन भाई, किधर हो आप जैन भाई? आपने कभी कह के मैं टाइम से आ जाऊं, कभी आपने बोला है? अस्सलामुअलैकुम जैन भी, कहते हैं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जैन भी, कभी तो टाइम से आ जाए करो यार। एनर्जी शेक तो होना चाहिए यार, एक डेट शेक। क्यों जैन भाई रोज
इससे आपकी ताकत बढ़ती है, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं और काफ़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। हंस लो बात मतलब कि यार आपकी सेहत अच्छी होती है, इससे ट्रिप्स की बात कर रहा था, समझ रहे हो। और ये देखो पूरा लोडेड होता है यार, और इससे आपको ये लोडेड शेक कहाँ से मिलेगा? ICT। ऐसी तारीफ करते रहो मेरे दोस्त के रेस्टोरेंट की, ताकि एक दिन मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट मेरे व्लॉग से ही फेमस हो जाए यार, थोड़े मोटे व्यूज से। क्यों जैन भाई? जी बिल्कुल, दुआ करो। आमीन। गुड, आओ उसको पी के देखते हैं कि कैसा बनाया उन्होंने। चल साहब पांडे जी, क्या हुई? एक और दिन जाया और एक और दिन आया, एक और छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह यार एक टाइम आएगा जिस दिन मैं भी अच्छा व्लॉग बनाया करूँगा, तब तक कर लिए थोड़ा सा वेट करो, और कुछ अपना सब ख्याल रखना, और व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करो, कमेंट करो, मेरे व्लॉग को शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।